नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहने वाले, सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से राय रखने वाले फिल्म निर्देशक अनुराग कश्यप ने ट्विटर को अलविदा कह दिया है। अनुराग कश्यप ने अपने माता पिता और बेटी को मिल रहे धमकियों को ट्विटर छोड़ने की वजह बताया। अनुराग ने अपने ट्विटर छोड़ने का ऐलान भी ट्विटर के जरिए किया और अंत में दो ट्वीट भी किए। साथ ही अनुराग कश्यप ने ये दो ट्वीट करने के बाद अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। अपने आखिरी ट्वीट में अनुराग कश्यप ने लिखा था, जब आपको माता पिता को फोन आने लगे और आपकी बेटी को ऑनलाइन धमकियां मिलने लगे तो फिर कोई बात नहीं करना चाहेगा, कोई वजह से भी तर्क नहीं देना चाहेगा। दबंगों का राज होगा और दबंगई जीने का नया तरीका। सबको नया भारत मुबारक हो और आप इसमें रह सके। अगले ट्वीट में उन्होंने लिखा, आपको खुशियां और तरक्की मिले, ये मेरी आखिरी ट्वीट होगा क्योंकि मैं ट्विटर छोड़ रहा हूँ। जब मैं बिना डर के बोल नहीं सकता तो मैं बोलूंगा ही नहीं, गुड बाय। अनुराग कश्यप के ट्विटर छोड़ने को लेकर कई हस्तियों ने इस पर प्रतिक्रिया भी दी। यूजर्स का भी कहना है कि यह देश के लिए गलत है कि कोई आजादी से अपनी बात सार्वजनिक रूप से नहीं बोल पा रहा है। बता दें कि हाल ही में उन्होंने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल हटाने के भारत सरकार के फैसले पर प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने इस फैसले का विरोध किया था और कहा था कि उन्हें फैसले लिए जाने के तरीके से डर लग रहा है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था, आपको पता है डरने वाली बात क्या है, एक आदमी को लगता है कि वह जनता की 120 करोड़ लोगों के लिए क्या सही है, उनके पास इसे अमल करने की ताकत भी है। आगे उन्होंने लिखा, आर्टिकल 370 या 35A के बारे में मैं ज्यादा नहीं कह सकता, इसका इम्प्लीकेशन हिस्ट्री या फैक्ट्स मैं अभी भी नहीं समझ सका हूँ, कभी भी लगता है जानना चाहिए, कभी लगता है क्यों गया, ना मैं कश्मीरी मुसलमान हूँ ना कश्मीरी पंडित। वहीं कई बार उन्हें ट्रोलर्स ने भी निशाना बनाया है। तो जिस तरीके से निर्देशक ने डर के मारे अपना ट्विटर अकाउंट डिलीट कर दिया है, अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या कुछ आगे होता है इस मामले में। फिलहाल इतना ही। तमाम ऐसे खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।